संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से विदेश मंत्री के भाषण का भारत ही नहीं पूरी दुनिया को इंतजार है, क्योंकि कनाडा से जारी तनाव के बीच उनका संबोधन बेहद अहम होने वाला है। कनाडा को खालिस्तानी आतंकियों ने अपना गढ़ बना लिया है और भारती से जयशंकर खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा की पोल खोलेंगे। बस कुछ देर बाद संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खालिस्तानी समर्थक जस्टिन ट्रूडो की पोल खोल। दुनिया के सामने आज कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तान के मुद्दे पर एक्सपोज करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। अब से कुछ देर बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने वाले हैं विदेश मंत्री। जिस खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर झूठा आरोप मढ़ा, आज जी न्यूज उस हरदीप सिंह निज्जर के आतंकी होने का सबूत दिखाएगा। ये है भारत सरकार का आधिकारिक दस्तावेज जिसमें हरदीप सिंह निज्जर को आतंकी घोषित किया गया था। भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन निकालकर कनाडा में छिपे निज्जर को खालिस्तानी टाइगर फोर्स का आतंकी करार दिया था। सरकार ने कनाडा में गैंगस्टर अर्शदीप को भी खालिस्तान टाइगर फोर्स का आतंकी घोषित कर रखा है। गजट नोटिफिकेशन में बताया गया था कि आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का बेहद करीबी है आतंकी अर्शदीप डल्ला, जो इस वक्त कनाडा में छिपा हुआ है। नोटिफिकेशन के मुताबिक निज्जर और अर्शदीप कनाडा से टेरर कंपनी चला रहे थे, मतलब जिसे भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर आतंकी करार दे रखा था। ट्रूडो उसकी हत्या के झूठे आरोपों के बहाने भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे। हरदीप सिंह निज्जर के गुनाहों का पूरा हिसाब किताब एनआईए ने भी जारी कर रखा था। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि अर्शदीप डल्ला हरदीप सिंह निज्जर के साथ मिलकर हत्या, टारगेट किलिंग, टेरर फाइनेंसिंग, बॉर्डर पार से ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग बड़े पैमाने पर करते हैं। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया है कि अर्शदीप डल्ला और निज्जर अपने गैंग के लोगों को भारत में अपने टारगेट की डिटेल्स भेजते थे, उन्हें हथियार मुहैया कराते थे, टेरर फैलाने के लिए फंड्स भी शूटर्स को एमटीएसएस के जरिए भेजे जाते थे, जिसके बाद फिरौती की रकम को हवाला के जरिए कनाडा भेजा जाता था। कनाडा में खालिस्तानियों की पूरी फौज है, जिसमें आतंकी पन्नू और आतंकी अर्शदीप समेत कई वांटेड आतंकी और गैंगस्टर हैं। जो आतंकी अर्शदीप डल्ला भारत की वांटेड लिस्ट में है, उस पर खुलासा ये भी हुआ है कि उसने विदेश में कंट्रोल रूम तैयार कर रखा है। उसी कंट्रोल रूम से अर्शदीप अपने साथियों के साथ मिलकर पंजाब में खालिस्तानी गतिविधियों को ऑपरेट और मॉनिटर करता था। एनआईए को जांच में पता चला है कि पंजाब में आतंकी अर्शदीप के शूटर्स को पाकिस्तान में छिपा गैंगस्टर नवीन बाली पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार भेजता था। अब हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि खालिस्तानियों के नेटवर्क और फंडिंग पर प्रहार करना है। इसे अंजाम देने के लिए एक दो नहीं बल्कि चार चार एजेंसियों ने तैयारी की है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए, ईडी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साथ में काम करेंगे। ये चारों संस्थाएं मिलकर खालिस्तानी संगठनों की विदेशी फंडिंग पर स्ट्राइक करेंगे और इसके लिए खालिस्तानी संगठनों के साथ उन एनजीओ पर नकेल कसी जाएगी जो खालिस्तानियों की फंडिंग में शामिल है। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में अलगाववादी संगठनों और आतंकियों की फंडिंग के खिलाफ जिस तरीके से देश की सिक्योरिटी एजेंसीज ने कार्रवाई की है, ठीक उसी तरीके से अब खालिस्तान समर्थक और उनके एनजीओ और उसके साथ ही खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करने की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो खुलकर खालिस्तानी आतंकी और खालिस्तानी संगठनों की वकालत करते हैं। खुद उनकी सत्ता खालिस्तानी समर्थक के कारण ही बची हुई है। कुछ देर बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर चुन चुन कर जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानी आतंक पर आईना दिखाएंगे। दिल्ली से मनीष शुक्ला और प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।